हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार संबंधी जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। तो इन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार में प्रथम। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका रिलेशन है बिहार में प्रथम से। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन से है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो एक है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले भी श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रश्न संख्या दो है बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन से ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी कपूरी ठाकुर, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो दो है कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। फर्स्ट वाइस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है वो तेजस्वी यादव है। प्रश्न संख्या तीन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। ऑप्शन से ए जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन बी विनोद कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी बुट्टा सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही जवाब हो जाएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। प्रश्न संख्या चार है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन से ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी रेणु देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। मीरा कुमार बिहार की पहली ऐसी महिला है जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेणु देवी बिहार की दूसरी महिला पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। प्रश्न संख्या पाँच है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन से अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी शाहनवाज हुसैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल गफूर। प्रश्न संख्या छः है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन से है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या छः का जो सही जवाब हो जाएगा बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं। प्रश्न संख्या सात है कि बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन से है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री और ऑप्शन डी महामाया प्रसाद सिन्हा। तो प्रश्न संख्या जो सात है बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है वो है महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रश्न संख्या आठ है राष्ट्रपति बनने वाला बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन,
ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन डी महामाया प्रसाद सिन्हा। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सारण, जो फिलहाल बिहार के सिवान जिले में स्थित है, यहाँ पर हुआ था, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? बिहार में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन से है पंजाब नेशनल बैंक PNB, जो भारत का पहला नेशनल बैंक है। ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न के जो 9 है, बिहार में स्थापित होने वाला पहला जो बैंक है उसका नाम है इलाहाबाद बैंक। प्रश्न के 10 है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी छपरा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। प्रश्न संख्या 11 है कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी छपरा में और ऑप्शन डी बरौनी में। तो प्रश्न संख्या जो 11 है कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बरौनी में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो स्थापित हुआ वो था बरौनी। प्रश्न संख्या 12 है कि बिहार में सर्वप्रथम किस नगर पालिका की स्थापना हुई? ऑप्शन से पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी आरा और ऑप्शन डी बरौनी। तो प्रश्न संख्या जो 12 है कि बिहार में प्रथम किस नगर पालिका की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आरा नगर पालिका की स्थापना 1885 में हुई, जो बिहार का प्रथम नगर पालिका है। प्रश्न संख्या 13 है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी मढ़ौरा छपरा में और ऑप्शन डी बरौनी में। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मढ़ौरा छपरा में। 1904 में बिहार में प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई। प्रश्न के 14 है, देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो प्रश्न के जो 14 है, देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से राम दयालु सिंह, ऑप्शन बी अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन डी विजय चौधरी। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राम दयालु सिंह, जबकि बिहार विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान सदर के विधायक हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो
ऑप्शन से ए रामदयालु सिंह, ऑप्शन बी और बिहारी चौधरी, ऑप्शन सी राजीव रंजन प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी विजय चौधरी। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन से ए सर सैयद फजल अली, ऑप्शन बी अजय नाथ सिंह, ऑप्शन सी रामविलास सिंह और ऑप्शन डी विजय प्रसाद सिंह। तो प्रश्न संख्या 17, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद फजल अली। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन से ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी रेणु देवी, ऑप्शन सी सीता देवी और ऑप्शन डी मंजू प्रकाश। प्रश्न संख्या जो 18 है, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंजू प्रकाश। प्रश्न संख्या 19 है, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन डी बलिराम भगत। प्रश्न संख्या जो 19 है, बिहार के प्रथम राजनेता जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बलिराम भगत। जो 5वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे बलिराम भगत। प्रश्न संख्या 20 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन से ए सर सैयद फजल अली, ऑप्शन बी श्रीनाथ सिंह, ऑप्शन सी विनोद सिन्हा और ऑप्शन डी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रश्न संख्या जो 20 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार में प्रथम से संबंधित कुछ मोस्ट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार BPSC या बिहार SI है, बिहार दरोगा है या बिहार से रिलेटेड बिहार SSC है या बिहार से रिलेटेड जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।